ये है अब्दुल हाफिज कारदार, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान। सन 1947 से 1958 तक इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। इसके बाद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी। इसके अलावा उनकी पहली बीवी ब्रिटिश थी, वो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे। 2019 में गूगल ने कारदार की याद में उनके जन्म दिवस के दिन एक गूगल डूडल भी रिलीज किया। आपको लगेगा कितनी शानदार जिंदगी जीने वाले स्पोर्ट्समैन कारदार एक खुले विचारों वाले, खेल भावना से भरे हुए जिंदा दिल इंसान होंगे। मगर जब सन 1987 में पाकिस्तान ने बेंगलोर में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को हरा दिया, तो कारदार जो एक कमेंटेटर की हैसियत से टीवी पर लाइव थे, जोश में अपने आप को रोक न सके और उत्तेजना में वो चिल्ला उठे, हमने हिंदुओं को उनके ही घर में हरा दिया है, हमने हिंदुओं पर फतेह हासिल कर ली है। जीत के जुनून में उनकी कट्टर सूर सबके सामने खुलकर सामने आ गई। कारदार का यह मानना था कि पिछड़े हुए भारत में सभ्यता मुस्लिम सुल्तान ही लेकर आए थे।